हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला दो मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक केटली, एक हमारे अगारो कंपनी की ओर से आने वाली मल्टीपर्पस इलेक्ट्रिक केटली, एक दूसरी हमारे पिजन कंपनी की ओर से आने वाली मल्टीपर्पस इलेक्ट्रिक केटली। तो जैसे कि इसका मॉडल नेम की बात करें, अगारो मल्टी केटली मॉडल स्टीम है, 1.2 लीटर की कैपेसिटी, वही पिजन वाले की पिजन अमेज मल्टी कुकर केटली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। दोनों की कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम है, 1.2 लीटर। वीडियो में हम कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे कौन सी वाली बेहतरीन है, किसके अंदर ज्यादा फंक्शनलिटी दी गई, कौन सी वाली अच्छी है, कौन सी वाली के अंदर ऑटो कट ऑफ के फंक्शनलिटी है, किसके अंदर क्या पका सकते हो, ये लीड प्रॉपर है भी कि नहीं, इसे वॉश किस तरह करना है, क्लीन किस तरह करना है, या फिर कौन से सरफेस पे यूज करना रहेगा, और ये यूज करने में बेनिफिट है भी कि नहीं, हैज कंपेयर टू नॉर्मल गैस से गैस में ज्यादा बचत होता है, या फिर इलेक्ट्रिक केटली के अंदर ज्यादा बचत होता है, वो सारी चीजें तो आप भी सोचोगे। अच्छी सी इलेक्ट्रिक केटली परचेस करने के लिए आपका बजट अराउंड 600 रुपीज के करीब है, तो ये पिजन वाली परचेस की थी 699 की। अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम है केटली, कोई 1100 का सेल करा जो बेस्ट सेलर रहेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वही अगारो वाली परचेस की थी 999 की, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर है जो बेस्ट सेलर रहेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था। और ये वीडियो आप 2023 या फिर 2024 में देख रहे हो, 6 मंथ में हमारे स्टेप की केटली अपडेट हो रही थी, जो लेटेस्ट वाली रहेगी विन की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो सबसे पहला डिजाइन की बात करें, ऑलमोस्ट दोनों के पूरे की पूरी सेम डिजाइन, इधर पिजन की ब्रांडिंग, इधर अगारो की ब्रांडिंग कंप्लीट ही आपको 100% स्टेनलेस स्टील है, ये भी कंप्लीट 100% स्टेनलेस स्टील है, ये मैट फिनिश है, ये थोड़ा ग्लॉसी फिनिश है, इधर इसके इंडिकेटर दिए गए, इधर नॉब दिया गया, नॉब को टर्न करने पे कुछ इस टाइप का साउंड आएगा, और जब भी आप पिजन वाले के नॉब को टर्न करोगे कुछ इस टाइप का साउंड आएगा। इधर लाइट इंडिकेटर दिया गया, इधर भी लाइट इंडिकेटर दिया गया, ऊपर आपका हैंडल दिया गया कुछ इस टाइप का, इसका पिजन वाले का हैंडल कुछ इस टाइप का दिया गया, दोनों के अंदर से प्रेशर वगैरह रिलीज करने के लिए एक छोटा सा होल भी दिया गया, तो इजिली प्रेशर वगैरह रिलीज हो जाए। अंदर की साइड की बात करें तो दोनों को मैंने यूज किया है कंप्लीट, और इधर अंदर के साइड में कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, इधर अंदर के साइड में कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, तो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सेम है। मिनिमम मैक्सिमम इन्होंने मेंशन किया हुआ कितना एटलीस्ट आपको वाटर फील करना है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना फील कर सकते हो, और वहीं इसके अंदर भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम का मार्क देखने को मिल जाता है। हैंडल अगारो वाले का कुछ इस टाइप का दिया गया, वही पिजन वाले का हैंडल कुछ इस टाइप का दिया गया, तो ऑलमोस्ट हैंडल की क्वालिटी सेम टू सेम है, हार्ड मटेरियल यूज किया गया, जिस तरह हमारे प्रेशर कुकर के अंदर कढ़ाई के अंदर हैंडल रहते हैं वो सेम मटेरियल का दिया गया है, तो कुछ भी चीज के अंदर बना रहे हो तो हैंडल थोड़ा भी हीट नहीं होगा। अब इसके नीचे के जो वर्किंग के है वो मैं बताता हूं, तो कुछ इस टाइप का प्लेट्स देखने को मिल जाता है अगारो वाले का। वायर लेंथ की बात करें कंप्लीट आपको 3.5 फीट तक का वायर लेंथ दिया गया है, एज कंपेयर टू पिजन वाले के अंदर भी कुछ इस टाइप का दिया गया, और इसके वायर लेंथ की बात करें आपको 2.5 फीट के करीब वायर लेंथ देखने को मिलता है, तो वायर लेंथ अगारो वाले का ज्यादा है। इसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी सेम है पिजन वाले की, इन दोनों की क्वालिटी पूरी पूरी सेम है, अगारो की ब्रांडिंग ओवरऑल क्वालिटी पूरी प्रीमियम दी गई, और इसे कोई भी सरफेस पे आप यूज कर सकते हो। ये जो नीचे का दिख रहा है ये जाके इसमें कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, इसके अंदर एक प्लेट है, वो प्लेट हीट होती है, उसके कारण कुछ भी चीज बॉइल होता है, वही सेम पिजन के अंदर भी फंक्शनलिटी देखने को मिल जाती है, तो कोई भी पर्टिकुलर है वो सरफेस नहीं कि मार्बल वगैरह ही होना चाहिए, कोई भी सरफेस पे आप इसे इजी तरीके से यूज कर सकते हो। इन दोनों के जो लीड है वो ग्लास के लीड है, ग्लास के लीड में ये बेनिफिट है कुछ भी चीज आप इसके अंदर पका रहे हो प्रॉपर नहीं पकी अभी बाकी, तो बार बार आपको इसके लीड को ओपन करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से ही दिख जाता है, तो जिसके कारण हमारा जो भी गैस वगैरह प्रेशर वगैरह रिलीज नहीं होता और खाना हमारा फास्ट पकता है। और इसमें यह भी चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ग्लास के लीड है तो इसे केयरफुली वॉश करना रहेगा, इसे जो कि नॉर्मल बर्तन के साथ में नहीं रख सकते हो, जिस तरह नॉर्मल बर्तन हम किसी भी तरह थ्रो कर देते हैं स्टील के रहते, क्योंकि पता है वो ब्रेक तो होगा नहीं, पर इसको आपको केयरफुली रखना पड़ेगा, केयरफुली क्लीन करना पड़ेगा, और इसे बाकी कंटेनर से सेपरेट रखना पड़ेगा, जहां आपके ग्लास के या फिर चीनी के कंटेनर रहते वहां आपको इन्हें रखना पड़ेगा। इनके साथ में कुछ और भी आते हैं वो मैं दिखा देता हूँ, तो पिजन वाले के साथ में दो कंटेनर आते हैं, एक कंटेनर आएगा कुछ इस टाइप का बाउल जैसा, और इधर आपको एक जो कि रॉड बोले या फिर ग्रिल बोले इस पे कुछ भी आपको बनाना रहे तो वो आप इसके अंदर रख के ढोकले वगैरह बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो। वही बात कर लेते हैं हमारे अगारो वाले के साथ में, तो 3 कंटेनर देखने को मिलते हैं, तो एक तो हमारा एग का एक्स्ट्रा आता है, इसके अंदर आप एग रख के अंदर नीचे वाटर फिल करना है, फिल करने के बाद में एग वगैरह बना सकते हो, 6 एग एक टाइम पे बना सकते हो, तो ये काफी अच्छी चीज दिखे, एग काफी फास्ट बॉयल हो जाते हैं और प्रॉपर तरीके से बॉयल हो जाते हैं, एज कम्पेयर टू नॉर्मली गैस पे हमें अंदाजा नहीं होता, पर इसके अंदर 100 डिग्री बॉयल होती है हमारे एग जो कि बॉयल हो जाते हैं। वही साथ में दो कंटेनर आते हैं ऑलमोस्ट सेम टू सेम दो बाउल, मतलब इसके अंदर अगारो वाले के अंदर सेम बाउल है, इसके अंदर थोड़ा सा आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का फिनिशिंग है, वही पिजन वाले के साथ में कुछ इस टाइप का फिनिशिंग है, और एक जो कि ग्रिल भी देख सकते हो कुछ इस टाइप की दी गई, तो कुछ भी फ्राई वगैरह ढोकले वगैरह बनाना तो वो भी आप इसको यूज करके बना सकते हो। तो सबसे पहले बनाने की बात कर लेते क्या क्या इनके अंदर बना सकते हो, तो ऑलमोस्ट दोनों के अंदर सेम डिश आप बना सकते हो, जैसे कि इसके अंदर राइस बॉयल करना हो गया, या फिर मैगी बनाना हो गया, चाय बनाना हो गया, टी बनाना हो गया, कॉफी बनाना हो गया, वो सारा का सारा प्रोसेस पूरा का पूरा सेम है, वाटर बॉयल करना हो गया सारा का सारा प्रोसेस सेम है। अब वाटर बॉयल करना किस तरह बॉयल
करना है, वो इसमें किस तरह वर्क करेगा, इसमें किस तरह वर्क करेगा, वो चीज़ आपको जानना पड़ेगा। तो इन केस आपको इसके अंदर वाटर बॉयल करना है, जैसे कि इसके अंदर वाटर बॉयल करना, तो इधर इन्होंने इंडिकेटर दिया गया। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि सबसे पहला या अगारो वाले का ऑफ का इंडिकेटर है, अभी इधर जैसे कि सबसे पहला ऑफ पे रहेगा, और इन केस आपको है ना पानी को गर्म करना है 70 डिग्री तक, तो कीप वार्म पे आपको सेट कर देना है। तो ये वाला पॉइंट भी इन्होंने बताया हुआ इधर, आप जैसे छोटा सा पॉइंट बना हुआ, तो ये कीप वार्म पे रहेगा, तो 70 डिग्री आपका वाटर बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद में फिर ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और जैसे ही आपका पानी का टेम्परेचर वापस से जो कि ऑफ मतलब कम होता है 60 डिग्री 50 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली फिर से स्टार्ट हो जाएगा और वाटर को बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। वही आप हीटिंग के अंदर रखते हो, तो हीटिंग पे आप 90 डिग्री पे वाटर को बॉयल करेगा, वो बॉयल करने के बाद में फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे पानी का टेम्परेचर 80-60 आ जाता है, तो फिर से वापस से चालू हो जाएगा, वापस से बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। तो ऑटो कट ऑफ ऑटो टर्न ऑफ का भी ऑप्शन इसके अंदर है। और वहीं बॉइलिंग पे बात करें, तो बॉइलिंग पे आप सेट करोगे तो कंप्लीट बॉयल करते रहेगा 100 डिग्री तक, मतलब पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कट ऑफ नहीं होगा। अब काफी लोग को लगता है कि 100 डिग्री जब ये कर रही है तो ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ क्यों नहीं हो रहा है, तो ये रहता है जैसे कि आप मैगी चाय टी कॉफी या फिर कुछ भी राइस वगैरह बॉयल करते हो, तो वो बहुत ही लंबे टाइम तक बॉयल करना रहता है। ऐसा नहीं कि 100 डिग्री पे आपने बॉयल कर दिया आपका राइस बन गया, ऐसा नहीं होता है, वो बॉयल होते जाता है 100 डिग्री पे, पकते जाता है फिर जाके राइस बनता है। मैगी भी बॉयल होती जाती है फिर जाके वो मैगी बनती है। चाय को भी काफी लोग ऊपर तक मतलब वो होता है ना झाग आते एकदम गर्म करते करते वो बाहर आती चाय, तो 100 डिग्री से भी ज्यादा वो बॉयल करते तो जब जाके उसका टेस्ट आता है। तो ये पूरा 100 डिग्री पे जो कि चलते रहेगा फिर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे मैगी बना रहे हो, राइस बना रहे हो, दाल बना रहे हो, जो भी चीजें बना रहे हो इसके अंदर वो देख लेना कि कितना आपका बॉयल हुआ है, बन गया है खाना, टेस्ट वेस्ट करके इसके बाद में आप इसे ऑफ कर सकते हो। तो बॉइलिंग पे आपको कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगा। अब यही बात कर लेते हैं पिजन वाले के अंदर भी, आपको सेम फंक्शनलिटी दी गई, बस नाम डिफरेंट दिया, ऑफ पे ऑफ रहेगा 70% इधर दिया गया, तो 70 डिग्री पर बॉयल होगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसके बाद में फिर वापस से जैसे 60 डिग्री 50 डिग्री मतलब टेम्परेचर डाउन जाता है कुछ भी इसके अंदर बनाया हो तो वापस से ऑन हो जाएगा। वही 100 डिग्री पे कंप्लीट 100 डिग्री बॉयल हो जाता है, और मैक्स पे आपका मतलब फुल इधर इतना सा डिफरेंट है कि 100 डिग्री पे आपका पूरा 100 डिग्री बॉयल होते कट ऑफ हो जाएगा, यही 90 डिग्री हीटिंग पे 90 डिग्री है तो वो होते ही उसके बाद में कट ऑफ हो जाता है, और इधर मैक्स पे जैसे आप रख दोगे तो वो कंटिन्यूसली बॉयल होते जाएगा जब तक मतलब ये नूडल्स हो गया मैगी हो गया जब वो सारी चीजें बनाओगे तब आपको मैक्स पे रखना, बाकी वाटर बॉयल कर रहे हो तब आपको मैक्सिमम पे रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो कि हीटिंग पे रखना है, दैट्स इट, आपका पानी गर्म हो जाएगा। और वैसे पीने लायक पानी आप गर्म करो तो आपको कीप वार्म पे ही सेट करना है, कीप वार्म से ज्यादा सेट करने की जरूरत नहीं है, पीने लायक पानी जो कि 45-40 डिग्री बहुत इनफ होता है। तो इस तरह इनकी फंक्शनलिटी देखने को मिलती है। पर इनके अंदर एक चीज डिफरेंट है पिजन वाले के अंदर, जैसे आपने मैक्सिमम सेट किया हुआ है, मैक्सिमम सेट करने के बाद में इनके जैसे कि इसके अंदर पानी आपने रखा वो बॉयल हो रहा है कुछ भी चीज हो रहा है तो पूरा का पूरा ड्राई हो जाएगा, मतलब पूरा पानी उड़ गया, खत्म हो गया, मतलब निकल गया इधर से वेपर बन के, तो भी ये चलता रहेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, तब आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा। आप मैक्स में रख रहे कुछ भी बना रहे हो तो आपको साइड में आगे देखना पड़ेगा कि कितना पानी है, कितना बॉयल हो, कुछ भी चीज पका रहे हो। वही इसके अंदर जो कि ड्राई हो जाता है पानी पूरा चल जाता है, और इनके हिसाब इसे ऑफ करके भी चालू कर देते हो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। जब इसको लगेगा कि ये इसके अंदर वाटर वगैरह कुछ भी नहीं, प्लेट जो कि डायरेक्ट प्लेट ही गर्म हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये फंक्शनलिटी आपको अगारो वाले के अंदर मिलती है, वही फंक्शनलिटी आपको पिजन वाले के अंदर देखने को नहीं मिलती है। सो ये आपको मेन डिफरेंट देखने को मिलेगा, और एक कंटेनर का डिफरेंट देखने को मिलेगा। लुक वाइज थोड़ा सा अगारो प्रीमियम लगता है एज कम्पेयर टू पिजन वाले से। बाकी आपका बजट ज्यादा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अगारो वाले की ओर जा सकते हो, और आपका बजट कम है तो आप पिजन वाले की ओर जा सकते हो। वर्किंग की फंक्शनलिटी ऑलमोस्ट दोनों की दोनों पूरी की पूरी सेम टू सेम दी है, दोनों काफी ज्यादा यूजफुल है, दोनों को मैंने काफी बार डिफरेंट डिफरेंट डिश बनाने में यूज भी किया हुआ है। सो ऑलमोस्ट सभी चीज डिटेल में बता दिए, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये अगारो वाले मैंने परचेस की थी 999 का अमेजोन पे, इसके डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम है कोई 1200-1300 का सेल कर रहा है। वही पिजन वाला मैंने परचेस किया था 699 का अमेजोन पे, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम है कोई 1100 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, और ये वीडियो आप 2023 या फिर 2024 में देख रहे हो, 6-6 महीने में हमारे स्टेप की केटली अपडेट होती रहती है, जो लेटेस्ट वाले रहेगी उनके लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो आपका वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।